और उन डेट्स के आगे हमने लिखना है कि उस डेट को क्या ख़ास इवेंट हुआ था या उस ईयर में क्या ख़ास काम हुआ था सो इन अगस्त 1947, फ़ोटी सेवन इंडिपेंडेंस तो ये तो आप सबको पता है कि हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे इंडिया से अलग हुए थे और सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान में सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी एट डेथ ऑफ़ कायद आजम सो यदम डाइड इन देन अक्टूबर हुए थे जबकि वो एक अज्तमा से खिताब कर रहे थे Then, in October 1958 मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब किसी मुल्क पर उस मुल्क की आर्मी हुकूमत करने लग जाए और इंस्टीट्यूशंस आर्मी के अंडर कंट्रोल आ जाए तो उसको आप कहते हो मार्शल लॉ मार्च 1962 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड यानी कि हमारे मुल्क में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है हमने इस बारे में पहले भी काफी दफा बात की बट लेट्स रिवाइज इट कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें जो बातें लिखी होती हैं जो रूल्स और लॉज लिखे हुए होते हैं उनको फॉलो करना हर شہری पर फर्ज होता है फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हो या कोई आम इंसान हो आम आवाम में से हो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और लॉज को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है और अगर आप उन रूल्स और लॉज के खिलाफ जाते हो या उनको फॉलो नहीं करते हो तो इस जुर्म में आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है मार्च 1969 जनरल याया खान टुक ओवर एंड ही टुक ओवर आफ्टर अयूब खान देन

बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया और ये हुआ था इन 1971। इसको सपूत ढाका का नाम भी दिया जाता है अगस्त 1973 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास फिर 1973 में एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन आया जुलाई 1977 मार्शल लॉ वॉज इम्पोज जुलाई 1977 में फिर से मार्शल लॉ लगाया गया और लगाया गया बाय जनरल जियालहाक इन अप्रैल 1986 एटी बेनज़ीर रिटर्न टू पाकिस्तान वो अपने मुल्क वापस आई अगस्त 1988 जनरल जिया किल्ड इन एयरप्लेन इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि यह कहा जाता है कि जनरल जिया को मर्डर करवाया गया था उनके प्लेन में आमों की एक पेटी रखवाई गई थी जिसके अंदर कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स रखवाए गए थे जो कि फट गए जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश हो गया और हादसे का शिकार हो गया और उसके नतीजे में उस ट्रेन में मौजूद जितने भी लोग थे वो सब मारे गए दिसंबर 1988 बेनजीर भुट्टो बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर 1993 नवाज शरीफ गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड डिसमिस्ड का मतलब बरतरफ कर दी गई थी अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ वाज डिपोज बाय जनरल परवेज मुशर्रफ। डिपोज का मतलब मैंने आपको बताया था जब आप फोर्सफुली किसी से उसका ले लो उसको उसकी सीट से हटा दो जब था नाइन अलेवन के बारे में हमने बात की थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में आके दो कमर्शियल फ्लाइट्स ने हिट किया था जिसके नतीजे में बहुत से लोग मारे गए थे बदले के तौर पे अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया क्योंकि ये कहा गया कि वो हमला उसामा बिन लादन ने करवाया था और उसके बाद वो अफगानिस्तान में छुप गया इसलिए उसको तलाश करने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला किया गया और उस वक्त से जो जंग शुरू हुई वो आज तक नहीं ख़त्म हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बहुत सी इंसानी जाने भी गई बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और हमारे मुल्क पर भी इसके गहरे असरात मुरतब हुए दैन दिसंबर 2007 थाउज़ेंड सैन बेनजी भुटो वो स्किल्ड टू थाउज़ेंड में बेनज़ी भुटो जब अपनी कार से निकली लोगों को वेव करने के लिए क्योंकि वो एक इलेक्शन कैंपेन पर निकली हुई थी तो वहां पर एट द बैक ऑफ हर हेड शी वाज शॉट डेड देन फरवरी 2008 पीपीपी केम टू पावर पीपीपी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई अगस्त 2008 प्रेसिडेंट मुशर्रफ रेजिग्न्ड और अगस्त 2008 में प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने रिज़ाइन कर दिया दैन मे टू थाउजेंड थर्टीन नवाज शरीफ विकेम प्राइम मिनिस्टर अब आपने ये गैप देखना है फाइव ईयर्स और ये बहुत बड़ी बात थी किसी पार्टी के लिए पोलिटिकल पार्टी के लिए फाइव ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट को कम्प्लीट करना मे टू थाउजेंड थर्टीन नवाज शरीफ विकेम प्राइम मिनिस्टर फिर एलेक्शन हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत गई और हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए नवाज शरीफ दैन इन जुलाई 2018 फिर से इलेक्शन हुए और हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए इमरान खान और हमारे प्रेसिडेंट बने आरिफ अलवी तो बच्चों यहाँ पे आपकी ये टाइम लाइन कम्प्लीट होती है आपने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है एंड डू प्रिपेयर इट वेल फॉर योर टेस्ट एंड एग्जाम्स अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह